अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड में लेसन नंबर 103। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि ऑटो कैड में हम 3D रूफ किस तरह बनाते हैं और एक फुल होम आज हम डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए मैं ऑटो कैड ओपन करता हूँ। तो मेरे पास ऑटो कैड ओपन हो गया जी। तो मैंने यहाँ पर जो रूफ बनाया था, इसका मैंने यहाँ पर एक बैग छोड़ा था, यहाँ तक ये हिस्सा मैंने छोड़ा था। अब इसमें हमने क्या करना है, एक रूफ बनाना है। रूफ के लिए यहाँ से यहाँ तक मैंने एक ऊपर जो थर्ड फ्लोर में बनाऊंगा, तो थर्ड में मैंने एक तो यहाँ से वाटर टैंक बनाना है और दूसरा और एरिया जो है वो ब्लैंक छोड़ना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप एक रेक्टेंगल लें, REC एंटर करेंगे आप। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एक एरिया लिया, ओके। यहाँ से L एंटर करें ताकि आपको पता चले कि मैंने कहाँ से कहाँ तक मैंने एरिया काटना है, ओके। इस रेक्टेंगल को मूव कर दें, M एंटर करें इसको। अब यहां से आपने क्या करना है, एक कमांड है हमारे पास, दो कमांड होती है, एक कमांड बस ब्रेक होती है। तो बेसिकली जो ब्रेक होती है, जब मैं ब्रेक कर दूं तो मेरा ये जो बाउंड्री थी ये खत्म हो जाती है ब्रेक से। मैं अप्लाई करके आपको बताता हूँ। मैं ब्रेक कमांड दी मैंने, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहां से यहां तक से काटता हूँ। अब देखिएगा कि मैं यहां से जब इसे डिलीट करूंगा तो ब्रेक कमांड में बास टाइम ऐसा होता है कि आपकी जो आपका जो एरिया होता है उसे वो क्या करते हैं, यहां से ये ब्रेक कमांड जब अप्लाई होते हैं तो आपके इसके पूरे के पूरे एरिया को यहां से ये काट देता है, खत्म कर देता है। तो इसलिए आप ब्रेक कमांड यूज कर सकते हो यहां पे, लेकिन नॉर्मल जो आपने यूज करनी है वो ब्रेक एट पॉइंट आपने यूज करनी है, ब्रेक एट पॉइंट। तो मैं यहां से फिर ब्रेक कमांड अप्लाई करता हूँ, BR एंटर। मैं एंटर यहां से लेकर इस एरिया को ब्रेक करना चाहता हूँ तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब देखें यहां पे देख सकते हैं आप कि अलग अलग से ये यहां से टूट गया, आप देखें, ठीक है। डिलीट यहाँ पे ब्रेक एट पॉइंट लेता हूँ मैं, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, ये एरिया भी यहाँ से टूट गया, इसको खत्म करते हैं, ओके। ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, आपने दो काम करना है। एक काम आपने ये करना है कि आप इसे यहाँ से जो मैंने ब्रेक किया है इसको आप यहाँ से, ये मैंने एक शेड बनाया है ये देख सकते हैं आप, इसको मूव करें, एम एंटर, सॉरी एम एंटर, सिलेक्ट, राइट क्लिक, इसको मूव करें, यहाँ पे लगा दें, एम एंटर, सिलेक्ट दो, राइट क्लिक, F8 को प्रेस करके इसको मूव करें, इसे रोटेट करें, RO एंटर, सिलेक्ट, राइट क्लिक, इसको आप रोटेट कर दें, कंट्रोल जेड, RO एंटर, सॉरी RO एंटर, ये नहीं हो रहा, आपको रोटेट पास टाइम मसले कर रहा होता है, तो आप यहाँ पे एक नया बना दें, इस ये एरिया नहीं, यहाँ पे REC रेक्टेंगल लें, एट द रेट ऑफ 18 इंच कॉमा 18 इंच, एंटर, एक्सप्लोड करें इसको, ओ एंटर, 3 इंच एंटर, PL एंटर,
ए इंटर, एल इंटर, सी इंटर, क्लोज, एम इंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मॉडिफाई, थ्री डी ऑपरेटर, रोटेट थ्री डी, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, 90, आरओ, सेलेक्ट, एम एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, एक्सटी, एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, पी एंटर, ओके, यहां तक हमारे पास ये शेड आ गया। एक और काम करना था मैंने, वो नहीं किया। क्या काम था जी? इसको आप, ये जो आपका ये जो एरिया, इसको आप मूव भी कर, कॉपी भी कर लें। सी पी एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, ओके। अब इसको आप क्या करें, ई एक्स टी एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, पी एंटर, और पाथ दे दें आप, ओके। और बस ये काम भी हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये काम करने के बाद आपने करना है, इसको डिलीट कर दें। इसके ऊपर हमें दीवार देनी है, कितनी दीवार देनी है हमने, हमने दीवार देनी है इसको, अब इसको यहाँ से इसके ऊपर दीवार भी देखते हैं। दीवार के लिए आप क्या करें, अंदर वाला एरिया जो था हमारे पास कितना था, 18 इंच, वो एंटर करें, ओ एंटर, 18 इंच एंटर, एल एंटर, बी ओ एंटर, पिक पॉइंट, बी ओ एंटर, न्यू पिक पॉइंट, एम एंटर, एम एंटर, ऊपर वाले को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, उसे मूव कर दो आपका थोड़ा सा, इसको डिलीट कर दो। ई एक्स टी एंटर, सिलेक्ट, राइट क्लिक, दीवार हम देते हैं जी 3 फुट, ओके, 3 फुट की दीवार लग गई इसके ऊपर, इसे मूव करो, ओके। अब जो हमने ये वाला एरिया लिया था, जो हमने वाटर टैंक लिया था, इसको आपने क्या करना है, यहाँ से ओ एंटर, 6 इंच एंटर, एक्सट्रूड करें, ई एक्स टी एंटर, 6 फुट, 5, 6 फुट कर दें, 6 फुट ही हो गया। अब एक और काम करना है हमने, क्या करना है जी, वो कंट्रोल जेड में करता हूँ, इसका जो बाहर वाला हिस्सा है, ये बाहर वाला हिस्सा, इसे मूव कर लें, हम एंटर सेलेक्ट करें, इसको सॉरी कॉपी कर लें, सी पी एंटर, इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, और इसको कॉपी करके यहाँ ले आए, ठीक है। अब इसे एक्सट्रूड करें, ई एक्स टी एंटर, 7 फुट एंटर, ओके। अब इसको हमने क्या करना है, इसको मैंने इसलिए किया है यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक और काम करना है, एक और प्लस काम करना है, वो क्या करना है, हमने एक लाइन देनी है आपने, ये फ्रंट मेरा कहाँ पे जी, ये फ्रंट है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक लाइन देता हूँ, एल एंटर, इसके सेंटर पॉइंट से एक लाइन दो, 3 फुट, आपकी मर्जी, आप जितनी देना चाहते हो, मैं 3 फुट देता हूँ, 2 फुट, बल्कि 3 फुट देता हूँ, ओके, बल्कि एल एंटर करो, सेंटर पॉइंट से F8 प्रेस करो,
3 फुट। ओके एम एंटर, इसको मूव करो, एम एंटर, एम एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, यहाँ से उठाओ, एट द रेट 0.0.0 foot। नहीं, अपने को और काम करना है। यहाँ पे अपने जाना है मॉडिफाई में, जाना है सॉलिड 3D रोटेट रोटेट, और यहाँ पे क्लिक करना है इसको, राइट क्लिक, यहाँ से अपने क्लाइंट देनी है 90। तो ये देखें 3D रोटेट हो गया। अब इसे कॉपी करें, CP एंटर, यहाँ से पकड़ें इसको और दूसरा हिस्सा इसका इस मिड पॉइंट में रखते हैं। ओके अब हमने क्या करना है, आपने अपने ड्रॉ में जाना है, सरफेस में जाना है, और यहाँ पे आपके पास होगा जी एच 3D सॉल्यूशन, 3D फेस पे आपने क्लिक करना है, 3D फेस पे, 3D फेस पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, देखें एक एरिया बनता जा रहा है, आप देखें। ओके देखें यहाँ पे एक बड़े ज़बरदस्त सा एक यहाँ पे वो बन गया, देख सकते हैं आप, छत सी बन गई। आप यहाँ इसके ऊपर एक किस तरह की छत भी बना सकते हैं। तो मेरे पास तो बेसिकली एक टैंक है, इसलिए मैं इसके ऊपर कुछ भी बनाना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो आप देखें, आप जिस तरह भी इसे मूव करेंगे, जिस साइड भी इसे रोटेट करेंगे, आपके पास एक नया स्टाइल बनता जाएगा, आप देख सकते हैं। इसको डिलीट कर देना बीच में से, आप देखें एक बड़ा ज़बरदस्त स्टाइल शेड सा बन गया, देखिए आप। तो आप इसको भी यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास बेसिकली, मैं इसे एक काम कर लेता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं कि मैं इसको इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सेट, मैं इसे मॉडिफाई ड्रॉ में जाता हूँ, सरफेस, 3D फेस, देखें देखें आप, से मूव कर सकते, लेकिन यार मैं यहाँ पे बस आपको ये तरीका एक बताना था, आप यहाँ पे काम कर लें, लेकिन मैं इसके ऊपर लगाना चाह रहा था, लेकिन मुझे अभी ध्यान में गया तो हमारे पास वो है, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे ये चीज़ नहीं लगा सकता, तो टॉर है, टॉर के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, एक और काम करना चाहिए, मैंने रेक्टेंगल आर इसी रेक्टेंगल लेना है, इसके ऊपर एक और काम करता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक ये काम करता हूँ, एम एंटर, ओ एंटर, 9 इंच, एल एंटर, रेक्टेंगल लेता हूँ एक, आर ई सी एंटर, एंटर करता हूँ, ब्लॉक इसे बनाता हूँ, बी एंटर, इसका नाम देता हूँ
एस इसका नाम ए बी दे देता हूँ, ए बी। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पिक पॉइंट, ओके ओके। मैं यहाँ पे ब्लॉक इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सॉरी मैंने एक काम और करना था, मैंने गलत किया। मैं यहाँ से जो रेक्टेंगल मैंने दिया था, ब्लॉक दिया था मैंने, इसे आप एक्सट्रूड करो, ई एक्स टी इंटर सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, इसे आप एक्सट्रूड करते हो कितना जी, 3 फुट। ई एक्स एक्स टी इंटर 3 फिट, इंटर इंटर सॉरी बी ओ इंटर, बी ओ इंटर, पिक पॉइंट, ई एक्स टी इंटर 3 फिट, ओके। अब इसे आपने क्या करना है यहाँ पे से, यहाँ से ब्लॉक बनाना है, बी इंटर, बी इंटर सेलेक्ट नेम ए, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, पिक पॉइंट, ओके ए के नाम से मैंने दिया, इसको आप डिलीट कर दो। ऑब्जर्व दो इसका यहाँ से जी, जो मैंने ब्लॉक देना है सेंटर पॉइंट से, एल एंटर, चलें इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में करते हैं ब्लॉक किस तरह लगाएंगे और उस पर हम काम इसमें किस तरह करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।